दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 जुलाई 2019 सुबह के कोई 4:45 बजे होंगे और वो परमपिता परमेश्वर मुझे फिर पकड़ कर बैठ गया कि यही वीडियो करो। मैं उससे कहता हूं, परमात्मा या तो तुम मेरी कुछ औकात बनाते या फिर कोई और ढंग का सा आदमी पकड़ते, ये क्या माजरा है मेरे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, वो कहता है कि तुम ही करो और वो मेरे सामने बैठा हुआ है। अब वो सामने बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, बैठा होता है कि नहीं होता, ये आगे कभी डिस्कशन करेंगे और करते रहते हैं। आज वो परमात्मा, वो देव शक्ति क्या कहना चाह रही है कि इन लोगों को, कर्णधारों को बोलो रुक जाओ, अरे मोदी मोदी भाई रुक जाओ, अरे शाह भाई भागवत जी तुम भी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, अरे ये देखो आगे कितनी भयानक खाई है, अब आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले ये देख लो कि क्या आपके काम मानवता के समर्थक हैं या मानवता विरोधी हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सत्ता की शराब पी रखी है, धन की चकाचौंध में आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपार जनसमर्थन से, भटके हुए लोगों के जनसमर्थन से आप अपने को एक मदमस्त हाथी फील कर रहे हैं कि आपके सामने कोई ठहरेगा नहीं। लेकिन वो देखो उस परमपिता परमेश्वर की अलग ही सलाह है। उसने कहा है कि इनको बोल दो कि यदि इनके काम मानवता के समर्थक हैं, मानवता विरोधी नहीं है, तो ये आगे बढ़े हैं। मैं इन लोगों से बहुत नाराज हूं। देखो भाई, मैं तो उस परमात्मा का एक संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरे पर गुस्सा होने की कोशिश न करें। अब मैं क्या करूं, उसने मुझको ही चुना है, वही मेरे को सुबह सुबह पकड़ लेता है। मैं तो उससे कहता रहता हूं कि भाई तुम कुछ ही औकात वाले आदमी को पकड़ते या फिर मेरी कोई औकात बनाते, या फिर बहुत से ढंग के लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में, तुम्हारा मैसेज कन्वे करने के लिए उनको चुनते। उस परमात्मा ने बोला है कि मुझे इन लोगों के बाल बच्चों पर दया आ रही है, इन लोगों के जान पहचान वाले लोगों के बाल बच्चों पर दया आ रही है, इन धन्ना सेठों के और जो लूट लूट कर विदेशों में पैसा ले जा रहे हैं इनके बच्चों पर दया आ रही है। इनको एक बार समझा तो दो, बाद में ये जाने उनका काम जाने। देखो परमात्मा इस दुनिया में बड़ी चीज है,
आप कहेंगे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या होता है परमात्मा, यदि परमात्मा होता तो क्या इस दुनिया में इतना अन्याय अत्याचार होता, इस दुनिया में अन्याय अत्याचार भी उसके हिसाब से हो रहा है, उसके संविधान के अनुसार हो रहा है। कौन जानता है कि हम उस अन्याय अत्याचार के लायक हों? कौन जानता है कि आगे की रचना करने में, करने के लिए पहले की रचना को मिटाना पड़े, उसमें चेंज करना पड़े? आप छोटे रूप में यही देख लीजिए, ये तो छोटी सी बात है कि किसान अपने खेत को संवारता है, गुड़ाई करता है, घास मूस इकट्ठा करता है, उस घास मूस को जला देता है। उस जलाने में, उस गुड़ाई करने में, उस खेत को जोतने में कितने कीड़े मकोड़े, कितने जीव नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो क्या परमात्मा अपनी रचना को रोक दे, आगे का काम नहीं करे, ये दया करे कि खेत में पराली जलाने से ये जीव नष्ट हो जाएंगे? और मान लो यहां भी ये देखा कि भाई भगवान दया नहीं कर रहा, तो क्या तुम ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके तुम लायक नहीं हो, वैसा तुमने नहीं किया है किसी के साथ, या वैसा करने की तुम नहीं सोच रहे? मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, जो उसने मैसेज दिया है मैं एक मैसेज दे देता हूं। रुक जाओ भाई लोगों, होना तो वही है जो परमात्मा चाहता है, लेकिन परमात्मा वैसे ही नहीं चाहता, परमात्मा एक हिसाब से चाहता है। देर आर फिजिकल लॉज, देर आर केमिकल लॉज, देर आर मैथमेटिकल लॉज, देर आर मेंटल लॉज, देर आर सोशल लॉज। उसका सिस्टम एग्जैक्ट है लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये अलग बात है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो उसको भगवान मानता ही कौन? इसलिए भारत में हुड़दंग मत मचाओ लोगों, अब भारत में वही होने वाला है जो परमात्मा कुछ करने वाला है, अच्छा करेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को नीचा देखना पड़े। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों आपको रुकने कह रहा है, ये मैं अपने संभाषणों में बताता रहता हूं जैसे परमात्मा की मुझे आदेश होता है। इस देश के करोड़ों लोगों पहले ही हजारों साल से चीत्कारों से तड़प उठे हैं, अब चीत्कार मत बढ़ाओ, वरना उसके इशारे से कुछ भी हो सकता है। ही मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर वेयर देयर इज नो डोर। इसीलिए रुक जाओ अरे मोदी जी, शाह भाई, भागवत जी और अन्य बड़े बड़े मदमस्त हाथी धुरंधरों कर्णधारों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।